Anger among the family members of the soldiers living in the accommodation over the eviction notice of the TSR 5th Battalion. On Saturday, they protested by locking the main gate of the quarter complex of Bhadargat Siddhi Ashram, demanded to withdraw the decision. Trouble arose among the residents over an order issued by the CEO of the TSR 5th Battalion, and due to this complication, the family members of the armed force in the accommodation protested by hanging the lock on the entrance gate of the quarter complex on Saturday. According to them, they have been living in the quarters of the 5th Battalion of the Tripura State Rifles at Bhadargat Siddhi Ashram for many years. Many were rented out for repairing quarters. They also paid the rent of the quarter at that time. Suddenly, the CEO of TSR 5th Battalion issued an order saying that the residents must vacate the residence immediately. And this is what angered the family members of the army in the residence. Their statement is that the CEO should withdraw this decision. He said he will build an office, but as a result of this directive, they are suffering from insecurity. Everyone has children. The head of the family stays out most of the time as he is working in force. So he demanded to withdraw the decision. Instead, the CEO told them that it has been 3 years, so they had to leave the quarter. A second notice is also issued. After giving the third notice, he gave a stern message of salary cut. Meanwhile, the housing member have taken the matter to the attention of the DG. Their demand is to let them stay in this quarter. The family members of the employees of TSR 5th Battalion protested by hanging their locks on this demand. इधर क्वार्टर दिया गया है जब हमें हमारा पापा लोगों को जब लेटर आया कि तुम लोग का इधर क्वार्टर सैंक्शन हुआ है उधर साफ साफ लिखा था कि ये 3 साल के लिए नहीं है जब तक आपका पापा का नौकरी है तब तक हम इधर रह सकते हैं अभी का जो 5th बैटलियन का जो COA कोई भी है वो आके हमें एक लेटर दिया है उसमें हमें बोला गया है कि 3 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकते बट जो 5th बैटलियन के लोग रह रहे हैं उनके इधर वो लेटर नहीं आया वो लोग क्या 3 साल से ज़्यादा नहीं रह रहे अभी इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक फाइनल्स देंगे 12th का फाइनल्स बोर्ड एग्जाम देंगे वो लोग कहाँ जाएंगे उन लोग का जो पढ़ाई है वो लोग आधा माधा छोड़ के कहाँ जाएंगे वो लोग हमें पहले बोल सकते थे जब क्वार्टर हमारा सैंक्शन क्या हो गया है तब तो बोल सकते थे ना कि तुम लोग को बस 3 साल रहना है अभी क्यों बीच में आके हमें ऐसा लेटर दिया जा रहा है और ये तो ठीक ही है हमारे जो पापा लोगों को जो सैलरी मिलता है वो 35 के अराउंड मिलता है उसमें भी अगर आप लोग इस मंथ में 7000 करके काट रहे हो नेक्स्ट मंथ में उसका डबल कर रहे हो नेक्स्ट मंथ में ट्रिपल कर रहे हो तो हम कौन से पैसा से कहाँ जाएंगे बोलिए इधर पढ़ाई चल रहा है बहुत सारी इधर स्टूडेंट्स है जो अभी 1 में पढ़ रहे हैं अभी वो लोग कॉलेज में भी जा रहे हैं कहाँ जाएंगे पढ़ाई कहाँ छोड़ के जाएंगे अभी जो इधर के CEO है वो तो इधर क्वार्टर में अपना 2-3 ऑफिस बना के बैठे हैं अभी चुप चुप के जो ऑफिस बनाए उसमें भी फैमिली घुसा दे रहे 5th बैटलियन के अभी उसका ये राय है कि इधर क्वार्टर के बहुत सारे जो अलग बैटलियन के लोगों को इधर से हटा के वो अपने बैटलियन के लोगों को घुसाएंगे तो इधर तो जो 5th बैटलियन है अभी जो रह रहे हैं वो लोग तो कोई कोई तो ऐसे रह रहे हैं जिसका बेटी का शादी होके बेटी का बेटा भी आ गया उन लोग का किंतु लेटर नहीं आया हाँ और जिसका अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग का लेटर आ रहा है कहाँ जाएंगे हम बीच में पढ़ाई छोड़ के बोर्ड एग्जाम कौन देगा बोर्ड एग्जाम कौन बैठेगा हमारी जगह में हमारा गांव इतना दूर है इतना दूर को क्या हम ट्रेन से आएंगे क्या इधर इधर तो हम क्वार्टर रहते बोल के हम क्वार्टर के पास हम हमारे स्कूल रखे हैं उन लोग का घर कहाँ पर है हमारे घर तो सबका मोनू में है छाबरू में है जियानिया में बहुत दूर दूर है खोई में है हम तो इधर पढ़ते हैं ना क्योंकि हमें फैसिलिटीज मिले अगर हमें फैसिलिटीज ना दिया जाए हॉस्पिटलिटी नहीं दिया जाएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे ये क्वार्टर Family members of TSR Jawan appeals to the higher officials of the police to look on the matter seriously. Reported by Pranav from Agartala, Chinikorang.